साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामले पर हुकूमत और नून लीग में नोक झोंक का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ से मिलने नहीं दिया गया। फवाद चौधरी का इल्जाम, हुसैन नवाज ने कहा कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को नवाज शरीफ तक रसाई नहीं दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की फैमिली की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनके मुआलज भी उनकी सेहत से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के बयान पर अदमल देते हुए नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा है कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से उनके साथ कोई राबता नहीं किया गया है। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत कोई दस्तावेजात दिखाए। वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हुकूमत को तस्दीक करवाने को तैयार हैं। हुसैन नवाज ने यह भी कहा है कि नवाज शरीफ के डॉक्टर से भी हुकूमत को मिलवाने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस जरूर आएंगे। उसके बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की है कि आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तानी हाई कमीशन दोबारा शरीफ फैमिली से राबता करे, नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड तक रसाई का कहे। उम्मीद है शरीफ फैमिली ताबुन करेगी।